यूरोलॉजिकल डिजीज यानी मूत्र संबंधी रोग सीधे सीधे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्र मार्ग जैसे किडनी, यूट्रस, ब्लैडर वगैरह से होने वाली समस्याओं से पैदा होते हैं। मूत्र संबंधी रोग किसी भी महिला, पुरुष, बच्चे एवं बुजुर्गों को किसी भी उम्र में हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में आपकी प्राथमिक देखभाल करने वाला चिकित्सक आपको एक अच्छे मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाने की सलाह देता है, जो कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति से उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण कई साइड इफेक्ट्स और तकलीफें होती हैं। मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से मूत्र रोग से पीड़ित कई लोगों ने अपनी बीमारी को पूरी तरह बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना परहेज के कम खर्च और कम समय में ठीक किया, और आज वह अपना जीवन बिना किसी दवाइयों की निर्भरता के सामान्य रूप से जी रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से लाभान्वित लोगों से। नमस्कार, मैं नर्मदा प्रसाद गौर हरदा जिले के अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूं और कृषक हूं। मुझे नवंबर में कुछ यूरिन में ऐसी तकलीफें महसूस हुई। वो स्थानीय डॉक्टरों से मदद लेने के बाद जब वो पूर्णतया आराम नहीं मिला तो मैं इंदौर गया। इंदौर में मैंने PSA, MRI और बायोप्सी की जांच करवाई। वहां पर जब मुझे जानकारी मिली कि आपको तो प्रोस्टेट में कैंसर है, उस समय मेरी तबीयत बहुत कमजोर भी हो गई थी। मैं लगभग 50 किलो वजन मेरा रह गया था। इसके बाद जब उनने डॉक्टर ने एलोपैथी वालों ने कहा कि भाई आपको तो ऑपरेशन करवाना है, रेडिएशन वगैरह होगा इसका, तो मेरे को मन में थोड़ी सी घबराहट भी हुई। लेकिन हमारे यहाँ एक दो पेशेंट जो हमारे ही ग्राम के हैं, जो इनमें सोराइसिस का भी एक पेशेंट है, एक पेशेंट उनके दिमाग में गठान थी वो पेशेंट भी ठीक हुआ था, एक साइटिका वाला पेशेंट भी ठीक हुआ था। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी होम्योपैथी में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से मिलें, उनको जानकारी दें, उनसे सलाह लें। हम गए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, चूंकि इनने होम्योपैथी को एक विशेष दर्जा दिया है, ये मॉडर्न होम्योपैथी के हिसाब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक हम जो भी होम्योपैथी का इलाज करते थे उसमें बहुत सारा समय लगता था, और समय लगने के साथ साथ बीमारी बहुत धीरे 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 ठीक होती थी। लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज में एकदम जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक हो जाती है और उसमें समय भी कम लगता है। हमने नवंबर में इलाज शुरू किया और 2 महीने के अंतराल से जब हमने प्रोस्टेट की जांच करवाई और PSA की जांच करवाई तो जो 100 पे था वो 9.7 पे आ गया। हमारा जो PSA था वो एकदम संतुष्टि हुई, और इलाज से शरीर में भी स्फूर्ति, भोजन, लेटरिन बाथरूम समय समय से होने लगी, विश्वास बढ़ता चला गया। तो हमने फिर आगे भी आपका मेडिसिन चालू रखा, और अभी अप्रैल में जब हमने पुनः आपके कहने के अनुसार हमने फिर जांचें करवाई सोनोग्राफी द्वारा और PSA की जांच भी करवाई। PSA की जांच में तो ये आया कि 0.266, मतलब 1% भी नहीं था, और जो प्रोस्टेट था वो 90 cc की जगह अब वर्तमान में 29 cc का बता रहे हैं वो जांचों के आधार पे। यानी इस समय मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। लगभग 3.5 महीने के इलाज में, मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गया हूँ, और धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अर्पित जी चोपड़ा को। उन्हें ऐसे जो गंभीर रोगों के मरीज हैं उनको ठीक करते रहें, भगवान उनको ऐसी ही शक्ति दे या उनके हाथ में ऐसी ही कुछ शक्ति ताकि लोग अच्छे होते चले जाएं और लोगों को रोगों से छुटकारा मिलता रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। तो देखा आपने कि किस तरह डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से मूत्र रोग या मूत्र विकार पर स्थायी रूप से इलाज पाकर कई लोग अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो आप भी अपने या अपनों के किसी मूत्र विकार या अन्य किसी गंभीर समस्या जैसे कैंसर, किडनी, कोमा, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, लाइलाज ऑटोइम्यून बीमारियां या अन्य लाइफस्टाइल बीमारियों के सीधे सरल उपचार के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और अपना सामान्य एवं खुशहाल जीवन पाएं। ध्यान रखें,
एक सही चिकित्सक ही आपके जीवन को सही दिशा और दशा दे सकता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।